यस, ए वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वंस अगेन, लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुले रेसिडेंशियल स्टेटस। लास्ट क्लास रे आमे पढ़ुले रेसिडेंशियल स्टेटस, जिउटी आमे पढ़ी डिस्कशन करुले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल आमे दुईटा कथा डिस्कशन करुले, किए कहीपर कौन थी से दुईटा पॉइंट। यस सर, आइदर से कौन ही परिवो रेसिडेंट ही परिवो, और सेकेंड केस रे नॉन रेसिडेंट से ही परिवो, और थर्ड केस रे डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ एन इंडिया ही परिवो। तो आमे जत्ते बेले डिस्कशन करू थिले रेसिडेंट, रेसिडेंट होबार दीटा कंडीशन थिला, किए कही परिवो कौन थिला ना सर। रेसिडेंट होबार दीटा कंडीशन थिला, प्रथम कंडीशन थिला जे से प्रीवियस ईयर रे ताकु अनन्य 182 डेज रहिबारे अछि, और जदि प्रथम कंडीशन सैटिस्फाइड न करुची देन ताकु रेसिडेंट होबा को हेले कोन करबा को पडुथिला ना सर। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी की चारिटा प्रीवियस ईयर रे अनन्य 365 डेज और मोर रहिबा आवश्यक, एवं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे ताकु अनन्य 60 डेज रहिबा आवश्यक। प्रश्न आसुथिला सर, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आमे काहा को कहिबा ना, जदि असेसमेंट ईयर सब पिला देखिबे, जदि मोर असेसमेंट ईयर होउची 21-22 देन 2021 को आमे कहिबा रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड प्रीसीडिंग चारिटा प्रीवियस ईयर किए किए हे जिबे ना, जेमति कि आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुथिबे 1920 1819 1718 1617 ये हे जिबे चारिटा प्रीवियस ईयर प्रीसीडेड टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, बुझीगला। यस, तापर आम नोट्स मैंने लिखी थे स्टे इन इंडिया माने आम कौन कहिबा ना, स्टे इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर कहिले अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, इंडिया जहाँ स्थल भाग अच्छे से 12 नॉटिकल माइल्स पर्यंत आम कौन कहिबा इंडिया बोली कहिबा। से कहूँ जो दिन इंडिया रु सी छाड़ुची एवं जो दिन इंडिया को सी आसुची, ये दीटा दिन मध्य कौन हो पार ना, स्टे इन इंडिया रे इंक्लूडेड हो जीवो। एक्सेप्शन टू दि रूल रे किसी कन्फ्यूजन थिला, एक्सेप्शन टू दि रूल रे जिते बेला डिस्कशन करुथिले सेथिरे आमे गोटिए कथा पढ़ी जे तीनटा कंडीशन थिला, जीव कंडीशन रे मु आपनको कहितिली जे कौन करबा को पड़िबो ना, कंडीशन 1 एप्लीकेबल हो जीवो किंतु कंडीशन 2 एप्लीकेबल हबो नाही। एहार अर्थ कौन ना सर, जदि कौनसी इंडियन सिटीजन, कंडीशन नंबर 1 कौन थिला एक्सेप्शन टू दि रूल, एक्सेप्शन टू दि रूल रे थिला प्रथम कंडीशन, जदि गोटे इंडियन सिटीजन कौन हो थिबो जे इंडिया को लीव करुची ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे एज ए क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप और इंडियन शिप जहाँ भी आम कहीपर, और जदि सी इंडिया छाड़ू फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। माइंड योर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट कहले आम कौन बुझा, सब पिला माने मन रखिबे एम्प्लॉयमेंट मीन्स बेले बेले आम एम्प्लॉयमेंट माने केवल सैलरी बोली नहीं जाऊ, नो, एम्प्लॉयमेंट मीन्स बिजनेस हो पारे, प्रोफेशन हो पारे और सैलरी मध्य हो पारे। एम्प्लॉयमेंट मीन्स सब पिला माने मन रखिबे एम्प्लॉयमेंट मीन्स बिजनेस हो पारे, प्रोफेशन हो पारे और आउ कौन हो पारे ना सर, सैलरी मध्य हो पारे। ये थिला दीटा कंडीशन। तृतीय कंडीशन कौन थिला ना सर, जदि इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन जिए कि आउटसाइड इंडिया रे रहुची, जदि सी इंडिया को विजिट करिवार आसी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इन दैट केस रेसिडेंट होबा को हेले ताकु अनन्य रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 182 डे और मोर रहिबा आवश्यक। ये थिला लास्ट क्लास रो कंप्लीट डिस्कशन। आज आम से क्लास को आगु को कंटिन्यू करके नबा। सब पिला माने कहिबे क्लास नंबर केते, मो अनुमान हिसाब रे क्लास नंबर 6। जदि किसी क्लास नंबर एपट सेपट हुए तो निज साइड रो आपण माने कौन करिवे ना, रेक्टिफाई करी नेबे हब। यस सर, रेक्टिफाई आम निज साइड रु करी नबु, आपण आगु को प्रोसीड करंतु। सब पिला माने मो सहित लिखिबे, कौन लिखिबे ना, आम आज आउ गोटे नुआ मुद्दा डिस्कशन करवा जोटी आम पढ़ा डीम्ड रेसीडेंट। सब पिला माने लिखिबे दुई नंबर रे डीम्ड रेसीडेंट। डीम्ड रेसीडेंट माने कौन सब पिला माने बुझिबे,
ल रे डिमिंग प्रोविजन कोठि आसिबो ना ल हिसाब रे जहाकु रेसिडेंट मना जिवो ताकु आमे कहिबा डीम्ड टू बी रेसिडेंट बोली कहिबा। तो डीम्ड टू बी रेसिडेंट आमे कहाकु कहिबा सब पिला माने लेखिबे अन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स अदर देन इनकम फ्रॉम टिके करेक्शन कर लिखिबे अन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर इफ कंडीशन अप्लाइड इफ ही इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटोरी by region of his domicile or residence लिखि सरला परे सब पिला माने रिप्लाई देबे यस सर। डीम्ड रेसिडेंट माने कौन से कहूँ अन इंडिविजुअल बीइंग अन इंडियन सिटीजन जदि से इंडिविजुअल कौन हो ना इंडियन सिटीजन हो हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स प्रश्न आसुची
अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स कहिले सर कौन बुझाए? यस, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स रो माने लिखनेबे लिखिबे इनकम व्हिच अक्रूज और आराइजेस इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया से कहे जदि गोटे इंडियन सिटीजन हो जी कि जो इंडिविजुअल जहाँ टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख इन अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स कहले इनकम व्हिच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया इनकम व्हिच अक्रूज और अराइजेस आउटसाइड इंडिया जदि से इनकम कौन हो ना 15 लाख को एक्सीड करू थिबो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रे वुड बी डीम्ड टू बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया ताकू इंडिया रो रेसिडेंट मना जीवो इफ जदि कौन ही थिबो ना ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री जदि से इंडिविजुअल कौन हो थिबो ना अन्य कौनसी कंट्री रे लायबल टू पे टैक्स अर्थात टैक्स दबा पाई लायबल हो नथिबो ताहले ताकू हमको कौन कहिया पड़िबो ना इंडिया रो रेसिडेंट बोली कहिबा एटी मु आपनको गोटे कांसेप्ट कहिबा पाई चाहिबी सब पिला माने मन रखिबे आमको जहाँ इनकम टैक्स दबारे अछि दुईटा रीजन कारण रु आमे इनकम टैक्स दब इनकम टैक्स आमे दुईटा रीजन कारण रु दबा गोटे होउछि ड्यू टू रेसिडेंट जदि आमे कोनोसी कंट्री रो रेसिडेंट हेइछे बा रेसिडेंसिप नेइछे ताहेले आमे सेथि पई कोन करियाकु पड़िबो ना से कंट्री रे टैक्स दबाकु पड़िबो और जदि आमे कोनोसी कंट्री रे आमर सोर्सेस ऑफ इनकम अछि आमर इनकम रो सोर्स अछि बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर कंट्री देन इन दैट केस से कंट्री रे आमे कोन हि जिबा ना लायबल टू पे टैक्स हि जिबा ए कथा तुम्हें डिटेल्स पढ़िबो नॉन रेसिडेंस टैक्सेशन यानी इंटरनेशनल टैक्सेशन रे ए दीटा पॉइंट आउथरे आसीबो हालांकि मु आपण मानको कहिबे मन रखिबे एग्जाम रे एमसीक्यू आसुची शॉर्ट क्वेश्चन आसुची टैक्स दीटा रीजन पे हमको दबाको पड़िबो ड्यू टू रेसिडेंट इन रेसिडेंसिप इन ए कंट्री और ड्यू टू हैविंग द सोर्सेस ऑफ इनकम इन ए पर्टिकुलर कंट्री ए दीटा रीजन रु हमको कोन करियाकु पड़े ना टैक्स दबाको पड़िबे डीम्ड रेसिडेंसिप रे कहूँ जदि जड़े भारतीय नागरिक जहाँ टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड करुव ड्यूरींग द प्रिवियस ईयर एवं जो कंट्री रे तार सोर्सेस ऑफ इनकम अच्छी से कंट्री रे तार लायबल टू पे टैक्स नथिबो से कंट्री रे से टैक्स दौ नथिबो ताहले ताकु कौन करा जीवो ना इंडियन रेसिडेंसिप मना जीवो बा इंडिया रो रेसिडेंट बोली आमे कही पारिबा हालांकि ए पॉइंट एते इम्पोर्टेंट नथिला किंतु एबे जो पॉइंट आमे डिस्कशन करिबाकु जाउछे से पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट सब पिला माने ध्यान देबे रेसिडेंट ये रेसिडेंट को दुई भाग रे डिवाइड करा जायछि जहाकु आमे कहिबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट एवं आउ गुटी को कहिबा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट को दुई भाग रे डिवाइड करा जायछि गुटी होउछि ऑर्डिनरी रेसिडेंट आउ गुटी होउछि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सर प्रश्न आसुछि तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होबाकु हेले कंडीशन कोन कोन अछि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आमे को केस रे कहिबा बा कंडीशन कोन अछि तो आमे देखिबा प्रथम पॉइंट रे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट से ऑर्डिनरी रेसिडेंट हे थिबो तो सेथि पई कोन कोन कंडीशन अछि लिखिबे
रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ इफ कंडीशन लिखिबे इफ कौन है थी वो लिखिबे सच इंडिविजुअल गुट्टे मिनट हाँ यस लिखिबे An individual is said to be a resident. Negative definition लिखन्तु एमती लिखन्तु सुविधा हाबा बुझिबाबु An individual is said to be resident but not ordinary resident. आमे negative बुझिबा आगे NOR को बुझिबा so that ordinary resident आमे बुझिजिबा Is said to be resident but not ordinary resident if such individual If such individual has been non-resident in India, has been non-resident in India in any 9 previous year out of 10 previous year, jodi 10ta previous year ru 9ta previous year re सी कौन है जी ना भा एनआर हुई जी ताहले हमें ताको कौन कहिबा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा और लेखी सरंतु गुटी गुटी एग्जांपल करिबा और इफ सच इंडिविजुअल हैज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हैज बीन इन इंडिया हैज बीन इन इंडिया For a period of 729 days or less, 729 days or less. Yes. Lekhi sarla pare kahibe. यस सर जेते बेले आमे रेसिडेंशियल स्टेटस कथा पढ़ुचे सब पिला माने मन रखिबे प्रथमे दीटा कैटेगरी कथा मन रखिबे रेसिडेंट तापर ले मन रखिबे नॉन रेसिडेंट सी कोची रेसिडेंट होबा को हेले आमे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 रे कोन पढ़ी के आसीले ना दीटा कंडीशन रु जदी जे कोनोची कंडीशन गुटी सैटिस्फाई करिवो ताकु आमे रेसिडेंट बोली कहिबा जदि दीटा भितरु कोनोसी कंडीशन सैटिस्फाई करू नाही ताहाले आमे ताको कोन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा प्रश्न आसुची दीटा कंडीशन कोन थिला ना प्रीवियस ईयर रे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 182 डे और मोर थिबो ताहाले आमे ताको रेसिडेंट कहिबा और रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाडी की रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाडी की चारिटा प्रीवियस ईयर रे 365 डेज और मोर थिबो एवं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 60 डेज थिबो ताले आमे ताको कोन कहिबा
रेसिडेंट बोली कहिबा। जदि ए दीटा भितर कौन कंडीशन सैटिस्फाइड करूनी ताहले आमे ताको कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा। जदि ए दीटा भितर कौन कंडीशन सैटिस्फाइड करूनी ताहले आमे ताको कौन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा। से कहुची रेसिडेंट्स आसी सारिला परे पुणी दीटा ब्रांच आसुची, गोटे आसुची रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आउ गोटे आसुची रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। से कहुची जदि कौनसी इंडिविजुअल आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर रु 10टा प्रीवियस ईयर रु 9टा प्रीवियस ईयर रे नॉन रेसिडेंट कहिबा रेसिडेंट तो कहिबा किंतु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, से एक साधारण रेसिडेंट बोली कहिबा नाही। एग्जांपल ने कि बुझे भी डोंट वरी। से कहुची जदि से इंडिविजुअल कौन है थी ड्यूरिंग द 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सब पिला माने सेंटेंस बाय सेंटेंस बुझिबे, सब पिला माने मते कहिबे करेंट असेसमेंट ईयर केते ना सर, करेंट असेसमेंट ईयर होची हालांकि केते ना सर 21-22। जदि करेंट असेसमेंट ईयर एग्जांपल नंबर 1 रे जदि करेंट असेसमेंट ईयर 22-21 होची ताहेले कोन होबो ना सर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केते हे जीवो ना सर 20-21। प्रश्न आसुची जदि सर करेंट असेसमेंट ईयर 22-23 हुए काहे कि ना करेंट असेसमेंट ईयर 21-22 सरीबाकु जाउछ, ऑलरेडी सरी गला। जदि करेंट असेसमेंट ईयर 22-23 हुए ताहले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केते होबो ना सर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आसीबो 21-22। बुझी होची, मु दीटा एग्जांपल लेके बुझौची सो दैट जो मनकर करेंट असेसमेंट ईयर 22-23 हे जीवो से मनक पई रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केते हे जीवो ना सर 21-22। कोन कहिची हम पॉइंट पास, जति सच इंडिविजुअल ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, सब पिला बुझिबे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रो पूर्व 7 वर्ष रे, सब पिला माने कहिबे जदि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर मोर 2021 होउची ताले 7टा प्रीवियस ईयर केते केते होबो ना सर एउटु एहार पूर्व 7टा वर्ष, जेमिति कि सब पिला माने कहिबे ना सर 1920 1819 1718 1617 केते 1 2 3 4 15-16 5 14-15 6 and 13-14 1 2 3 4 5 6 7 एथरा बुझी हला एही 7 वर्ष रे ताकु कोन हेतिबो, सब पिला माने बुझंतु रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी की तार पूर्व 7 वर्ष रे कोन हेतिबो हैज बीन इन इंडिया, से भारत रे रहितिबा दरकार फॉर ए पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस। अर्थात जदि सी कोन हेची एई 7टा वर्ष रे 729 दिन और कम रहिची 729 729 डेज और कम रहिची ताहेले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट कहिबा किंतु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा, रेसिडेंट कहिबा किंतु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा। पिले माने मु आकु पॉजिटिव वे रे डेफिनेशन को कहि परि, माय डियर फ्रेंड्स जदि मु पॉजिटिव वे रे ए डेफिनेशन को कहिबा को चाहिबी एहार अर्थ कोन ना सर, एहार अर्थ होउची जदि 7टा प्रीवियस ईयर रे एही 7टा प्रीवियस ईयर रे कौनसी लोक कौनसी लोक 730 दिन अर्थात 730 डेज और मोर थिबो ताहेले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट कहिबा एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहिबा।
जहाँ डेफिनेशन लिखेई नेगेटिव डेफिनेशन लिखेई नेगेटिव डेफिनेशन माने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़िकी पूर्व सातटा ईयर रे जदि 729 दिन किंबा ताठारु कम रहिबो ताहाले आमे ताकु नॉट ऑर्डिनरी एक्सीडेंट बोली कहिबा। जदि ताकु पॉजिटिव वे रे कुहा जिवो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़िकी सातटा प्रीवियस ईयर रे जदि 730 डेज और मोर रहिबो ताहाले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी एक्सीडेंट बोली कहिबा। एतर बुझियला? यस सर बुझियला। सबु पिला सेकेंड एग्जांपल रो आंसर देबे। जदि मोर करंट असेसमेंट एरि हुए 22-23 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर केते हि जिवो ना सर 21-22 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी कि सातटा प्रीवियस ईयर किए किए हेबे ना सर सातटा प्रीवियस ईयर हि जिवे 20, 19, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, and 15। सबु पिला कहिबे 13 एंड 14 जीवो की ना सर 13 एंड 14 गले कौन है जीवो ना सर 8टा प्रीवियस ईयर है जीवो। तेणु करी आम को डेफिनेशन कहूँ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रो पूर्व 7 वर्ष रे यस जदि कौन है थी वो? ना 729 डे और लेस थी वो, लेस कहले डाउनवर्ड कम थी ताहले आमे ताकु कौन कह रेसिडेंट कहिबा किंतु बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जदि मु डेफिनेशन को बदलेबी ताहले कौन हबो ना एही 7 वर्ष रे जदि 730 दिन किंबा 730 दिन रु अधिका थिबो ताहले आमे ताकु रेसिडेंट कहिबा एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा। जदि बुझि हेतिबो मते कहिबे मु नेक्स्ट गोटी एग्जांपल एबे सॉल्व करेबी तापरे आमे आगु को प्रोसेस करिबा। फटाफट रिप्लाई देबे किछि बुझा पडुछि? यस सर बुझा पडुछि। जदि बुझा पडुछि आमे एबे गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिबा तापरे आमे आगु को प्रोसेस करिबा। यस सबु पिला माने देखिबे क्वेश्चन, हालांकि लास्ट क्लास रे मु गोटे क्वेश्चन सॉल्व करितली सेही क्वेश्चन को आमे अगेन सॉल्व करिबा। से कोची ब्रेटली ए क्वेश्चन टा को मु आउ तरे सॉल्व करिया पई चाहू छी। सबु पिला माने देखिबे ब्रेटली जिए की कोन थिला ना गोटे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थिला इंडिया को आसुची 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एवं देखा जाउची लास्ट 10 वर्ष हबो ब्रेटली एही कामोटी करूची। एटा होची सी पॉइंट, सब पिला माने करेक्शन करी नेबे एटा होची सी पॉइंट, हालांकि पॉइंट लिबी जाइची। फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 22 and 23। से कहूँ 22-23 जदि आपणकर असेसमेंट ईयर हुए ताहले ब्रेटली रो कौन रेसिडेंशियल स्टेटस रहिबो सब पिला माने ध्यान से सुनिबे। एबे आमे देखिबा लास्ट क्लास रे मु जेतेबेले ए प्रॉब्लम को सॉल्व करैतिली कौन कहितिली ना केवल रेसिडेंट आउ नॉन रेसिडेंट कहि कि छाडीतिली। आजि क्वेश्चन रे आमे सॉल्व करिबा रेसिडेंट कि नाही, जदि रेसिडेंट ताहले से ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बुझि होउजी? यस सर। ताहले एबे जो क्वेश्चन आमे सॉल्व करबा को जिबा आमे सेतिरे कोन देखिबा जे से रेसिडेंट कि नाही आगे प्रथम क्वेश्चन सॉल्व करबा। आमे लास्ट क्लास रे जहां सॉल्व करितिले एबे भी आपन मानक स्क्रीन रे अछि। यस ब्रेटली कोन थिला ना सर भारतर नागरिक थिला। काहे कि ना मु प्रथम कंडीशन चेक करली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। माय डियर फ्रेंड्स एग्जाम रे आपन मानक सेक्शन देई के लिखिबा को पड़िबो कारण ये 4 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। एक क्वेश्चन गुटी पड़िबो जहार वेटेज होची 4 मार्क जदि मु प्रोफेशनल एग्जाम कथा कहिबे। यस से कहूची प्रथम कंडीशन थिला कोन ना प्रीवियस ईयर रे 182 डेज और मोर रहिबा आवश्यक। सब पिला माने कहिबे जदि मोर असेसमेंट ईयर होची 22-23 फटाफट को प्रीवियस ईयर केते हबो
ना सर प्रीवियस ईयर रही जीवो 21-22 21-22 रे ताकु केते दिन रहिबार थिला ना सर 182 दिन बा ताठारो अधिक थिला से कहूजी से किंतु इंडिया रासी केते दिन रहूजी ना सर ओनली 100 डेज रहूजी ना सर जेहेतु ओनली 100 डेज रहूजी ताहेले कोन होइगला ना सर प्रथम कंडीशन मारख होइगला प्रथम कंडीशन ता पई एप्लीकेबल होबो नाही जोटा कि ऑलरेडी मु लास्ट क्लास रे मध्ये छकी मारथिले सेकंड कंडीशन थिला कोन ना सर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी कि चारिटा प्रीवियस ईयर रे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी कि चारिटा प्रीवियस ईयर की हम सब पिला माने देखिबे मु एटी स्क्रीन रे सॉल्व करथिली लास्ट क्लास रे सॉल्व करथिली ना सर जदि असेसमेंट ईयर होची 22-23 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर हम 21-22 ताकु छाड़ी कि आउ चारिटा प्रीवियस ईयर किए हेबे ना सर आउ चारिटा प्रीवियस ईयर हेबे 20-21 19-20, 18-19, and 17-18 प्रश्न कह सब वर्ष सी आसू क्रिकेट खेलु 100 दिन रही पलि जाऊँ ये चारिटा वर्ष रे केते दिन रहिले ना सर 400 डेज रहिले जदि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी चारिटा प्रीवियस ईयर रे 365 दिन रु अधिक रहुची ताहेले रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे केते दिन रहिबा आवश्यक ना 60 दिन और 60 दिन रु अधिक रहिबा आवश्यक सब पिला माने देखिबे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे से केते दिन रहिथिबो ना 100 दिन रहिथिबो सर आपन डाटा कोठ आनले क्वेश्चन रे कहिछि लास्ट 10 वर्ष हबो ब्रेटली 100 दिन पई आसुची पळे जाउची ब्रेटली 100 दिन पई आसुची पळे जाउची ताहेले आमे कोन कहिबा ना ए दीटा कंडीशन रे देखिले ब्रेटली होउची कोन ना गुटी रेसिडेंट ब्रेटली होउची कोन ना गुटी रेसिडेंट एटा होउची नेक्स्ट क्वेश्चन रो सॉल्यूशन ब्रेटली होउची कोन ना सर गुटी रेसिडेंट जदि ब्रेटली रेसिडेंट हैला आपण माने देखंतु एठी भी क्वेश्चन सॉल्व हेची लास्ट क्लास रे आमे पढीथिले जे ब्रेटली कोन कहिबो ना ही जे रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 अरे भाई समस्तक स्क्रीन रे आसुची कि नाही ही इज रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिप्लाई दियो भाई माने रिप्लाई दियो आसु कि नाही यस सर यस सर ओके तापर देखिबा जे से कोन होउची ऑर्डिनरी रेसिडेंट होउची कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होउची ऑर्डिनरी रेसिडेंट बा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पई एबे एबे मु आपनकु दीटा कंडीशन पढै के आसीली कोन हेतिबो ना 10टा प्रीवियस ईयर रु 9टा प्रीवियस ईयर रे से कोन हेतिबो नॉन रेसिडेंट हेतिबो ताहेले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदि मु ताकु पॉजिटिव एंगल रु पढैबी ताहेले आमे कोन पढिबा जदि मु ताकु पॉजिटिव एंगल रु एनालिसिस करिवि ताहेले आमे ताकु कोन पढिबा ना सर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर जदि से 10टा प्रीवियस ईयर रु 10टा प्रीवियस ईयर रु दुईटा ईयर रे रेसिडेंट हेतिबो ताहेले मु ताकु कोन कहिबी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ताहेले मु ताकु कोन कहिबी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पप्पू कहिला सर केमिति कले हमको आउ थरे टिके बुझांतु ओके पप्पू पप्पू तो तम पई आउ थरे बुझौची टिके ध्यान दियो आमर पॉइंट कहूची 10टा प्रीवियस ईयर रु 9टा प्रीवियस ईयर रे जदि सीए एनआर हैला ताहेले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट कहिबा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा मु ताकु सेकंड एंगल रु एनालिसिस करली मु कहली जदि पप्पू पप्पू देखुथिबो जदि सी 10टा प्रीवियस ईयर रु 2टा प्रीवियस ईयर रे रेसिडेंट हेइ गला ता माने ए कंडीशन माड़ खाइ जिवो जदि 10टा प्रीवियस ईयर रु 2टा प्रीवियस ईयर रे रेसिडेंट हेइ गला ताहाले आमे ताकु कोन कहिबा रेसिडेंट कहिबा एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहिबा काहे कि ना सर जदि 2टा ईयर रे से रेसिडेंट हेइ जाउची ताले ये 9टा ईयर रे नॉन रेसिडेंट कंडीशन माड़ खाइ जिवो अरे बुझुछ कि नाही यस और सेकंड कंडीशन कौन थिला जे 7टा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी कि 7टा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर रे जदि से 730 डेज और मोर थिबो ताहाले आमे ताकु कौन कहिबा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहिबा
किंतु मु डेफिनेशन कौन लिखी ना सातटा प्रीवियस ईयर रे जदि सीए 729 डे और लेस थी ताहले आम कौन कहिबा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एनालिसिस बुझी हूँ एनालिसिस बुझी हूँ ये सर एबे आम सातटा प्रीवियस ईयर काउंट करिबा केमती काउंट करिबा दिस इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सी कौच 10 वर्ष है सी 100 डेज लेखा रोचे यार अर्थ कौन ना ये सातटा वर्ष केते दिन थी ना 700 डेज थी जदि सी 700 डेज अच्छी सातटा प्रीवियस ईयर मुझेपरि 729 दिन रु कम अच्छी ये सार 729 दिन रु कम अच्छी दीटा कंडीशन रु जेकोसी गोटे आपण मैंने देखिए और लिखा जा गोटे कंडीशन सैटिस्फाइड कला ताल से कौन हो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सर आप कह चाहती सब पाने ध्यान देवे मुझे चाहिए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हवा को हेले तुमको कौन करिया को पड़ो सब पाने ध्यान से शुणिले सर कौन करिया को पड़ो ना सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रो प्रथम कंडीशन सैटिस्फाई करिया को पड़ो माने आपन को आगे रेसिडेंट हवा को पड़ो प्लस एबे जहाँ पढ़े आसली दीटा कंडीशन को आपन को सैटिस्फाई कर अर्थात 10टा प्रीवियस ईयर रु 2टा प्रीवियस ईयर रे आपन रेसिडेंट हेथिबे ये कंडीशन नंबर 1 एवं 7टा प्रीवियस ईयर रे आपन 730 दिन बा अधिका थिबे ताहले आपन को जाय कि कोन कुहा जिवो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कुहा जिवो सर आउ थे नेगेटिव हिसाब से आमको आनालीसीस कर यस वेरी गुड मुझे नेगेटिव हिसाब से आनालीसीस करुच्ची नेगेटिव जीक ब्लाक लिखुच आम रेसीडेंट कह मानने से सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रो कंडीशन को सैटिस्फाई कर किंतु ऑर्डिनरी रेसीडेंट कह मानने रेसीडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसीडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले कहिबा ना सर ये दीटा कंडीशन रु जे कोनोसी गोटिए कंडीशन जदि सैटिस्फाइड करिगला ताहले आमे ताकु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा गोटिए दीटा कंडीशन कौन अच्छी ना प्रथम कंडीशन थिला 10टा प्रीवियस ईयर रु 2टा प्रीवियस ईयर रे सीए एनआर हेथिबो जदि ए कंडीशन भी सैटिस्फाई करिगला ताहले से कौन हेजिबो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हेजिबो और ये अच्छे किंबा और द्वितीय कंडीशन हूँ 7 प्रीवियस ईयर रे 729 दिन और लेस थी ताहले आम कौन कह रेसिडेंट तो कह बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कह बुझीगला यस ताहले आमको क्लीयरली देखा जाऊँ जेहेतु गोटे कंडीशन सैटिस्फाई करगला दीटारू जेकोसी गोटे कंडीशन ताहले आम कौन कह नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हवा को हेले ये दीटा जाक कंडीशन पॉजिटिव वे रे सैटिस्फाई करने को पड़े बुझीगला जदि यह भितर कहार किसी क्वेश्चन अच्छे मत पचारि पार जदि यह भितर कहार किसी क्वेश्चन अच्छी ताहले पचारि पार सर आमको आंसर टिके पढ़े दिखुद येस मु आंसर आपण सहित पढ़ू देखिए सिंस हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया During the past 7 previous year is less than 730 days, he is a not ordinary resident during the assessment year 22-23. Therefore, Mr. Bradley is a resident but not ordinary resident during the previous year 21-22, relevant to the assessment year 22-23. हबो अरे हम कि ना ये सर हम से कौच नोट नोट्रे कौन दि जाए नोट पढ़ी दिव एक क्लीयर हो आन इंडिविजुआल नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन एबे जो पॉइंट पढ़े आसली डीम्ड रेसीडेंटर प्रोविजन जीए कि आन इंडिविजुआल नॉट बीइंग एन इंडियन सिटीजन वुड बी नॉट ऑर्डिनरी रेसीडेंट पर्सन इफ सैटिस्फैक्टरी एनी वन ऑफ द कंडीशन हालांकि ए पॉइंट को मत डिस्कशन करार अच्छी डिस्कशन करार अच्छी
ताकु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले हे जीवो ना जदि 10टा प्रीवियस ईयर रु 9टा प्रीवियस ईयर रे सी नॉन रेसिडेंट हेतिबो जदि सच इंडिविजुअल कोन हेतिबो ना 7टा प्रीवियस ईयर रे 729 डेज और लेस थिबो ताहाले आमे ताकु कोन कहिबा एनआर बोली कहिबा बुझी होउ छी। इन दिस केस मिस्टर ब्रेटली सैटिस्फाई कंडीशन 2 ही इज ए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 हबो अरे हबो कि नहीं यस सर यस सर यस सर एटा मध्य हेई जीवो एबे सर आपण हमको कोन पढेबे एबे आमे फेरी जीवा अमर नोट्स कॉपी की एबे आमे फेरी जीवा अमर नोट्स कॉपी की जोठी आमे नोट्स लिखुतिले यस लिखिबे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एचयूएफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रो आमे रेसिडेंशियल स्टेटस एबे पढ़िबो बहुत इजी लिखिबे एहार दीटा आइदर एचयूएफ रेसिडेंट हबो नहले नॉन रेसिडेंट हबो एचयूएफ आइदर रेसिडेंट हबो नहले नॉन रेसिडेंट हबो लेखिबे ए एचयूएफ को हमे रेसिडेंट केते बेले कहिबा इफ एचयूएफ को हमे रेसिडेंट सेते बेले कहिबा इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्शियली इंडिया सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया ओके तो नॉन रेसिडेंट केते बेले कहिबा लिखिबे जदि कंट्रोल इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड फुली संपूर्ण भावे आउटसाइड इंडिया देन आमे ताकु कौन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा प्रश्न आसुची सर ये कंट्रोल आउ मैनेजमेंट माने कौन आपण कहिले जदि कंट्रोल आउ मैनेजमेंट संपूर्ण इंडिया बाहर अछि ताहाले आमे एनआर कहिबा जदि कंट्रोल मैनेजमेंट पार्शियली और होली इंडिया रे अछि ताहेले आमे ताको कोन कहिबा ना सर रेसिडेंट बोली कहिबा प्रश्न आसुचि ये कंट्रोल आउ मैनेजमेंट रो माने कोन प्रश्न आसुचि ये कंट्रोल आउ मैनेजमेंट रो माने कोन लिखिबे सेंट्रल कंट्रोल ऑफ बिजनेस मुख्य कंट्रोल नॉट डे टू डे एक्टिविटी केवल डे टू डे एक्टिविटी नो नॉट डे टू डे एक्टिविटी सेंट्रल कंट्रोल मुख्य परिचालक मुख्य कंट्रोल कौन कहिबा
ना मुख्य कंट्रोल माने नेचर ऑफ बिजनेस कौन रहिबो केते जण एम्प्लॉय रहिबे को प्रकार गुड्स रहिबो दैट इज सेंट्रल कंट्रोल राइट यस सी कहूची जदि बिजनेस बिजनेस आउटसाइड इंडिया रे होची बिजनेस आउटसाइड इंडिया किंतु बिजनेस आउटसाइड इंडिया अच्छी व्हेयरएज किंतु कंट्रोल एंड मैनेजमेंट माने कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहले सबुतक डिसीजन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर टेकन फ्रॉम ए प्लेस आर टेकन फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया फ्रॉम ए प्लेस इन इंडिया जदि यार कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बा कंट्रोल मैनेजमेंट को आम एमिति मध्य कहि परबा ऑल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी जदि ये इंडिया रे अछि ताहाले आमे ताको कोन कहिबा इंडिया रो रेसिडेंट बोली कहिबा ए पर्यंत बुझीगला सर आउ थे टी रिकल कर दिंतु यस गोटे एचयूएफ आगे रेसिडेंट कि नॉन रेसिडेंट आम देखा तापर आम देखा सी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट केते बेले हबो जदि कंट्रोल मैनेजमेंट आइदर होली और पार्शियली इंडिया रे थबो ताहाले सी हला रेसिडेंट जदि कंट्रोल मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया रे अछि ताहाले सी हेगला एनआर बुझियौ छी कंट्रोल मैनेजमेंट कहले डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज एबे आमे देखिबा जदि सर रेसिडेंट हैला ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले हबो एवं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले हबो ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले हबो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केते बेले हबो लेखिबे इफ इफ कर्ता कर्ता कहिले किए कर्ता कहले हेड ऑफ एचयूएफ कर्ता मीन्स हेड ऑफ एचयूएफ ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ इफ कर्ता ऑफ रेसिडेंट एचयूएफ रेसिडेंट एचयूएफ रो कर्ता सैटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन सैटिस्फाई बोथ of following condition both of following condition then HUF will be resident and ordinary resident HUF HUF will be a resident and ordinary resident. तो condition गुड़ी को कौन? सही condition. जो condition हमें भी individual case रे पढ़ी क्या सिले? सही दीटा condition. कौन कौन दीटा condition? लिखिबे कर्ता सुड बी ए रेसिडेंट इन एटलिस्ट टू प्रीवियस ईयर लिख एटलिस्ट टू प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 previous year out of 10 previous year immediately preceding to a relevant previous year
रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छाड़ी पछ दस वर्ष रु अन्य दुटा वर्ष कौन होता दरकार ना सी भारत रेसीडेट होता दरकार आंड ये अच्छे आंड कारण नेगेटिव रे और पॉजिटिव लिखिले आम आंड लिखा जदि तुम आनालीसीस् कर तो ए पॉइंट को बुझिपार आंड स्टे ऑफ स्टे ऑफ कर्ता ड्यूरिंग सेवेन प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग सेवेन प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू इमीडिएट प्रीसीडिंग टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर should be seven 30 days or more आमे ताको कौन कहिबा ना रेसिडेंट बोली कहिबा ताहेले आमे ताको कौन कहिबा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली कहिबा सर प्रश्न आसुची जदि दीटा कंडीशन को सैटिस्फाइड कला ना जदि दीटा कंडीशन को सैटिस्फाइड कला ना नॉट सैटिस्फाइड जदि ऊपर तो नॉट सैटिस्फाइड ताहेले आमे ताकु कौन कहिबा ताहेले ताकु रेसिडेंट कहिबा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोली बुझियला अरे बुझीला कि बुझीला यस सर बुझीला जदि बुझीला ताहले आमे जीबा क्वेश्चन करिबा मु क्वेश्चन लेखौनी कारण क्वेश्चन लेखिला बेलकु बहुत टाइम जाउजी ऑलरेडी आम पाखरे जो क्वेश्चन अछि आमे सेउठु ही सॉल्व कर दबा सो दैट आम पाखरे टाइम किछि सेव हो यस क्वेश्चन नंबर 4 सबु पिला सॉल्व करिवे क्वेश्चन नंबर 4 The business of a HUF is transacted from Australia and all policy decisions are taken there. सबु पिला माने बुझिबे HUF रो प्रथम कंडीशन कोन थिला जदि कोनोसी HUF रो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया रे अछि ताहले से NR जदि होली आउटसाइड इंडिया रे अछि ताहले से NR जदि इन इंडिया रे अछि ताहले आमे ताको कौन कहिबा रेसिडेंट बोली कहिबा बुझी हो जी यस मिस्टर ई द कर्ता ऑफ एचयूएफ वाज बोर्न इन कोलकाता विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 आफ्टर 15 इयर्स से कौन 15 वर्ष पर प्रथम थर पर से भारत को आसला हि कम्स टू इंडिया 1/4/2021 भारत को छाड़देला 1/12/2021 डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड द एचयूएफ फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 माइंड योर फ्रेंड्स जदि मु एचयूएफ रो कथा कहिबी आउ तरे क्वेश्चन पढ़िबा से कहुची एचयूएफ कोठी ऑपरेट होतिला ना राइट आंसर इज एचयूएफ सर ऑपरेट होतिला ऑस्ट्रेलिया रे डिसीजन कोठी निया जाउतिला ना देयर ताहेले मु कहि परिबी एचयूएफ टा कोन हेगला एनआर काहे कि ना सबुतक डिसीजन साडे निया जाउची ताहेले एचयूएफ कोन हेजिवो एनआर हेजिवो सिंस बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर इट इज अज्यूम दैट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन ऑस्ट्रेलिया दैट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया देयरफॉर एचयूएफ इज ए नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 ए पॉइंट जदि बुझी हेतिबो सब पिला माने मते रिप्लाई देबे सो दैट आमे आगो को प्रोसेस करिबा
जदि ए पॉइंट बुझी जाइ सब पिला माने मते रिप्लाई देबे आमे आगो को प्रोसीड करिबा। यस यस वेरी गुड। आमे नेक्स्ट पॉइंट में बे जीबा। एबे आमे नेक्स्ट पॉइंट को जीबा। पिला मान को रिप्लाई पळे आसला वेरी गुड। एबे आमे नेक्स्ट पॉइंट को जीबा ई रो रेसिडेंशियल स्टेटस को देखिबा। ई होची इंडिविजुअल किए ना ई होची कर्ता। सब पिला मान देखंतु ई होची कर्ता ऑफ द एचयूएफ। कर्ता माने जे एचयूएफ रो हेड डिसीजन लिए ताको आमे कर्ता बोली कहिबा। से कहुची सी बोर्न करथिला कोलकाता रे मने पडुची। आमे गोटे एक्सेप्शन टू द रूल रे पढ़ी गोटे पॉइंट से कहुची इंडिया रे बोर्न सॉरी कोलकाता रे बोर्न करथिला। कोलकाता होची पार्ट ऑफ इंडिया किंतु रहुची कोउटी। हु वाज बोर्न इन कोलकाता विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21-22 आफ्टर 15 वर्ष। 15 वर्ष पर से प्रथम भारत को आसुची केबे ना 1/4/21 रे। लिव्स इंडिया करुची केबे इंडिया छाडुची केबे ना 1/12/21 रे। सबु पिला मते रिप्लाई देबे जदि असेसमेंट ईयर होउची 22-23 ताहले ई रो आमे रेसिडेंशियल स्टेटस को ईयर रे देखिबा ना सर। प्रीवियस ईयर कंडीशन नंबर 1 हिसाब रे प्रीवियस ईयर आपण 21-22 रे तार देखंतु रेसिडेंशियल स्टेटस। 21-22 रे मते कुहो ई भारत रे केते दिन रहिछि ना सर। 1/4/21 रु 1/12/21 पर्यंत रहिछि। प्रश्न आसुची ए पीरियड देखि कहिल 182 डेज रु अधिका होची कि जदि 182 डे रु अधिका होची ताहाले आमे ताको कहिबा ई कु रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। आंसर पढ़िबा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-22 ई हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 245 डेज। केमिति 245 डेज हैला सब पिला माने देखिबे 1/4/21 रे आसीची ताहले एप्रिल मासर से केते दिन रहिबो ना सर 30 दिन रहिबो। काहे कि ए पॉइंटटा भलो भाबरे बुझो। मु कहितली जदि इंडिया लोक बाहर को जाउची ध्यान दियो इंडिया लोक बाहर को जाउची जो दिन गला से दिन इंक्लूड हबो एवं जो दिन से आसी कि फुनी इंडिया रे पहुचुची से दिन इंक्लूड हबो। किंतु उल्टा जदि बाहर लोक इंडिया को आसुची जो दिन आसी कि पहुचिला ताको इंक्लूड करिवानी। जो दिन सी पलैब ताको आमे इंक्लूड करिबा। देखो ताहले जदि 1/4 रे आसुची एप्रिल होची 30 दिन मे 31 दिन सॉरी सॉरी ए आकु इंक्लूड करिबा 1/4 रे 30 दिन एप्रिल रे 31 दिन मे गला जून रे 30 जून जुलाई 31 अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवंबर डिसेंबर हबो। जो दिन आसुची इंक्लूड करिबा जो दिन जाउची बी इंक्लूड करिबा जदि से भारतर सिटीजन हेथिबो जे कि कहि छै देखो ये होची बोर्न होची कोलकाता रे। देयरफॉर ही जे रेसिडेंट काहे कि ना रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रे 182 दिन अधिक आछि। हाउएवर जेतु से इंडिया को आसुची 15 वर्ष परे ही डज नॉट सैटिस्फाई द कंडीशन फॉर बीइंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट रो दीटा कंडीशन थिला कि कहि परिबो ना सर। कंडीशन नंबर 1 रे थिला 10टा प्रीवियस ईयर रु 2टा प्रीवियस ईयर रे सी रेसिडेंट हेथिबा दरकार एवं एवं माने प्लस एंड माने प्लस 7 प्रीवियस ईयर रे 730 दिन और अधिका थिबा आवश्यक। से तो कहूची 15 वर्ष परे आसुची ना तेणु करी ऑर्डिनरी रेसिडेंट रो से कंडीशन को सैटिस्फाई कोला नाही ताहेले ई हे जीवो भारतर रेसिडेंट किंतु नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अरे बुझीला यस। एटी गोटे छोटो डायग्राम अच्छी चाहिए तुम्हें पढ़ी पार। यस रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया। जदि पार्शियली हो बा होली हो इंडिया रे अच्छे कि यस ताहले सी हे गला रेसिडेंट। जदि यस आसिला ताहले सी हे गला रेसिडेंट। नो तमाने होली अच्छे आउटसाइड इंडिया रे एचयूएफ हे गला कौन नॉन रेसिडेंट। जदि कर्ता रेसिडेंट इन इंडिया एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यस जदि एटा भी यस आसिला प्लस माने एंड
इज हिज स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द सेवन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर सेवन प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जदि दुटा जाक येस आसला ताहले सी हिज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदि दुटा भितर गोटे भी नो आसला ताहले सी कौन हिज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हबो अरे हबो कि हबोनी यस एहा परे सार हमको कौन पढ़े एहा परे आमे फूनी फेरी जीवा आमर नोट्स को जोटी आमे आउ किछि पॉइंट कवर करिबा तापरे आमे कौन करिबा आउ गोटे पार्ट को आमे काली स्टार्ट करिबा ओके सर एहा परे हमको कौन कहिबे लिखिबे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फार्म एओपी एंड बीओआई रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कहार फार्म्स एओपी बीओआई एंड एओपी बीओआई फार्म एओपी बीओआई एम मानकर रेसिडेंशियल स्टेटस हमें देखिबा यस स्टार्ट करिबा एमानकर दीटा आगे देखिबा रेसिडेंट तापर देखिबा नॉन रेसिडेंट जहाँ एचयूएफ रो थिला एठी पूरा सेम प्रोविजन कौन सेम प्रोविजन ना जदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर ऑफ अफेयर्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स आर होली और पार्शियली होली और पार्शियल इन इंडिया देन आमे ताकु कहिबा रेसिडेंट देन आमे ताकु कौन कहिबा रेसिडेंट जदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आर होली होली माने कहिले संपूर्ण भावरे सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ताहले आमे ताकु कौन कहिबा एनआर बोली कहिबा ताहले आमे ताकु कौन कहिबा एनआर बोली कहिबा हबो यस ताहले आमे ताकु कौन कहिबा एनआर बोली कहिबा सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तमरो जदि प्रथम डायग्राम मने थिबो आमे सेठी पढ़िथिले रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट केवल दी जनक पई एप्लीकेबल होबो दैट इज योर एचयूएफ एंड इंडिविजुअल दैट इज योर एचयूएफ एंड इंडिविजुअल सर एहा परे हमको कौन कहिबे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी गोटे कंपनी रो जदि रेसिडेंशियल स्टेटस कथा कहा जइबो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज लिखिबे लिखिबे ए कंपनी वुड बी रेसिडेंट इन इंडिया सी भारतर नागरिक हबो इन एनी प्रीवियस ईयर इफ जदि कौन हेतिबो इन एनी प्रीवियस ईयर इफ एक रे इट इज एन इंडियन कंपनी जदि से इंडियन कंपनी हेतिबो और दुई रे और इंडियन कंपनी हेतिबो माने रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट ताहले हमें ताकु इंडियन कंपनी बोली कहिबा इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर
इज इन इंडिया। जो वर्षर आम रेसीडेल स्टाटस देखुचे जदि से ही वर्ष प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया रे थिबो ताहले आमे ताको कौन कहिबा रेसिडेंस ऑफ इंडिया कहिबा, अदरवाइज आमे कौन कहिबा नॉन रेसिडेंस बोली कहिबा, अदरवाइज आमे ताको कौन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा। प्रश्न आसुची जे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रो माने कौन। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट लिखिबे मीन्स ए प्लेस, मीन्स ए प्लेस की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन, मैनेजमेंट एंड कमर्शियल दैट आर नेसेसरी फॉर the conduct of business, that are necessary for conduct of business of an entity, as a whole. Of an entity as a whole, लिखिबे of an entity as a whole, of an entity as a whole are in substance mode. ए कथा डिटेल्स तुम्हें फाइनाल जितेबेले आसीबो पढ़ीबो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, हालांकि तुमर एते इंपोर्टेंट नाही, फिर भी हमको मन रखे पड़ो। ए प्लेस व्हेयर की मैनेजमेंट एंड इट्स कमर्शियल डिसीजन, लाभ क्षतिर सबुतक डिसीजन आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, गोटे बिजनेस को परिचालना करिवा पई जहां नित्यांत आवश्यक ऑफ एन एंटिटी आज होल आर सब्सटेंस मोड, जदि सब्सटेंस मोड रे थिबे बा एक्जिस्टेंस रे थिबे इन इंडिया ताहले आमे ताको कौन कहिबा रेसिडेंट बोली कहिबा, अदरवाइज आमे ताको कौन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा। सर आउ थरे रिविजन कर दियंतु, ए कंपनी वुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गोटे कंपनी को आमे भारतर रेसिडेंट बोली केते बेले कहिबा, जदि ताहा भारतर कंपनी हेतिबो, भारतर कंपनी माने इंडियन कंपनीर एक्ट अनुसार रजिस्टर हेतिबो, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर, जो ईयर तुम रेसीडेल स्टाटस देखुच से ईयर में कौन थी ना इंडिया थी, ताहले आमे ताको कौन कहिबा इंडियन कंपनी बोली, ए सॉरी इंडियन रेसीडेंट बोली कहिबा। जदि सार लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कथा कहिबा, मु एटी आड कर दउची लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेमानक पई मध्य रेसिडेंशियल स्टेटस पई सेम रूल, ताकू आमे रेसिडेंट सेते बेले कहिबा जदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इंडिया रे थिबे ताहाले आमे ताकू रेसिडेंट कहिबा, और अदरवाइज नॉन रेसिडेंट आमे केते बेले कहिबा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली जदि आउटसाइड इंडिया रे अछि ताहाले आमे ताकू कोन कहिबा नॉन रेसिडेंट बोली कहिबा। बुझियला तो रेसिडेंशियल स्टेटस रो आमे दीटा पार्ट करिके पढुचे, रेसिडेंशियल स्टेटस रो प्रथम पार्ट रे आमे पढ़िले रेसिडेंशियल स्टेटस, एहा परे आमे आउ गुटी सेई रेसिडेंशियल स्टेटस पार्ट रो सेकंड पार्ट पढ़िबा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहिले केउ इनकम कहा पई टैक्सेबल, केउ इनकम
कहाँ पाई टैक्सेबुल अर्थात जदि गोटे इंडिविजुअल रेसीडेंट होती कोई इनकम टैक्सेबुल जदि गोटे इंडिविजुअल रेसीडेंट बट ऑर्डिनरी रेसीडेंट होती कोई इनकम टैक्सेबुल ये टोटल बाबद को आम आउ गोटे क्लास रे कंप्लीट करवा तापर आम कौन कहवा ना आम चैप्टर टू रेसीडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम कवर हो आपरे जो भी थियोरिटिकल टॉपिक आसीबो आमे नोट क्लास रे एते लेखिबानी जेउटी मते लागिबो ना पिलांको नोट्स लेखेबा आवश्यक मु सेटी नोट्स लेखिबी अदरवाइज ऑलरेडी पीडीएफ रे नोट्स थिबो आमे सेटू पढ़ी नबा ओके यस दोस्त आज पई इतना बहुत काफी है फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास रे फुनी देखा हबो काली मॉर्निंग रे फिलहाल गुटे क्लास अछि मु टाइमिंग कहिबी ओके बाय बाय।